हमारे लिए आज की तलावत रसूलों के अमाल उसका पांचवा बाब 27वीं से 33वीं आयत तक। और उन्हें लाकर अदालत आलिया के सामने खड़ा कर दिया। तब काहिन आसिफ ने उनसे सवाल करके कहा कि हमने तुम्हें बड़ी ताकीद की थी कि इस नाम पर तालीम ना देना, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलम को अपनी तालीम से भर दिया और उस शख्स का खून हमारे ज़िम्मे लगाना चाहते हो। लेकिन पतरस ने रसूलों समेत जवाब में कहा कि इंसान की निस्बत खुदा की अतात करना ज़्यादा फ़र्ज़ है। हमारे बाप दादा के खुदा ने यसू को ज़िंदा किया, जिसे तुमने काट पर लटकाकर कत्ल कर दिया था। उसी को खुदा ने मुबद्दी और नजात दहिंदा ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से बुलंद किया, ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की मुआफ़ी बख्श दे। और हम इन बातों के गवाह हैं, बल्कि रूहुल कुद्स भी, जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो उसकी अतात करते हैं। वो ये सुनकर जल गए और इस फिक्र में लगे कि इन्हें कत्ल कर दें। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो।